नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र घोष और आज हम बात करेंगे HTML के बेसिक टैग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था टेक्स्ट एडिटर के बारे में कि एक बिगिनर लेवल के लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर बेस्ट होता है। इस वीडियो में हम नोटपैड का ही यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड को ओपन करने के लिए सिंपली हम टास्क बार में सर्च बटन को क्लिक करेंगे एंड नोटपैड सर्च कर लेंगे, उसको सिंपली ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन हो चुका है। अब हमें HTML के कोड को लिखना है। फर्स्ट क्या होता है, टाइप डिक्लेरेशन होता है। डॉक टाइप HTML क्या करता है, ब्राउज़र को ये बताता है कि कौन सा HTML वर्जन हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं डॉक टाइप HTML के बारे में कि आखिर डॉक टाइप HTML क्यों लिखना ज़रूरी होता है HTML के कोड को लिखने के लिए। जो सारे HTML डॉक्यूमेंट्स होता है उससे पहले डॉक टाइप HTML का डिक्लेरेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो डिक्लेरेशन है ये कोई HTML टैग नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है जो ब्राउज़र को ये बताता है कि हम कौन से HTML के टाइप को यूज़ कर रहे हैं। और HTML5 में जो टाइप डिक्लेरेशन है वो बहुत ही सिंपल होता है। सिंपली हमें डॉक टाइप HTML लिखना होता है सारे टैग से पहले। और ये जो डॉक टाइप है ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, इसमें कैपिटल में भी लिखा जा सकता है, मिक्स में भी हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट टैग है HTML। जो HTML टैग है ये स्टार्टिंग टैग होता है या कहें बेस टैग होता है HTML में। इस टैग के अंदर ही सारे टैग्स लिखे जाते हैं। HTML टैग को स्टार्ट किया है तो इसको क्लोज भी करना है स्लैश से, स्लैश HTML। ये एक HTML का बेसिक रूल है, जिस टैग को हमें ओपन करना होता है उस टैग को स्लैश से क्लोज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट टैग है हेड टैग। हेड टैग को हमने ओपन किया है तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है यहाँ पे, इसको क्लोज करना। स्लैश हेड से हम इसको क्लोज भी कर लेंगे। हेड टैग के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जो HTML का हेड टैग होता है ये कंटेनर होता है जो मेटा डेटा को स्टोर करता है। मेटा डेटा क्या करता है, हेड टैग एक्चुअली यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है बट डेटा का रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि जो CSS फाइल हो गए, JavaScript के फाइल हो गए, उस फाइल का लिंक यहाँ पे दिया जाता है जिससे ब्राउज़र को ये पता लगता है कि आखिर ये फाइल कहाँ पे रखा है। और कैरेक्टर सेट किए जाते हैं कि हर ब्राउज़र में, जैसे कि हम मोबाइल में ओपन करते हैं उसको डेस्कटॉप में ओपन करते हैं तो कैरेक्टर कैसे दिखेगा, उसका विड्थ हाइट कैसे क्या होगा, टेक्स्ट को कैसे दिखाया जाएगा। ये सारा चीज़ हम हेड टैग के अंदर ही डिफाइन करते हैं। सारे लिंक हो गए, CSS का लिंक हो गया, JavaScript का लिंक हो गया, यानी कि ये खाली इंफॉर्मेशन को रखता है हेड टैग, ठीक है। ये एक सैम्पल हो गया, सैम्पल कोड है। इस सैम्पल कोड में लिंक, जावास्क्रिप्ट और एक मेटा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हेड टैग के हम अंदर हम टाइटल भी डिफाइन करते हैं।
जो कि ब्राउज़र में टैब में जो नेम लिखा आता है वो टाइटल होता है। सो टाइटल टैग को ओपन किया है तो इसको क्लोज करना इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो इसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे, हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे ये टाइटल इस ब्राउज़र ब्राउज़र में जो टैब खुलता है उस टैब में एक नेम लिखा आता है वो एक्चुअली टाइटल होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो टाइटल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल टैग डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट के टाइटल को, और ये कहाँ दिखता है, ये ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखता है। और जो टाइटल होता है जो सर्च इंजन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है इस टाइटल का। सो आप देख पा रहे हैं इस टैब में गूगल का टैब खुला पड़ा है, इसमें लिखा पड़ा है गूगल जो कि टाइटल है। सो नेक्स्ट टैग आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर क्या आता है, बॉडी टैग को हमने क्लोज भी किया है। सो बॉडी टैग के बारे में थोड़ा जानते हैं। बॉडी टैग क्या डिफाइन करता है, डॉक्यूमेंट्स के बॉडी को डिफाइन करता है, यानी कि क्या करता है, ये कंटेन करता है एचटीएमएल के कंटेंट्स को, मतलब हेडिंग हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गए, लिंक हो गया, टेबल हो गया, लिस्ट हो गए, और भी सारे ढेर सारे इंफॉर्मेशन इस बॉडी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, सो हम एक हेडिंग लिख रहे हैं, H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है, H1 से लेके S6 हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ये H1 H2 ये होता है, क्या होता है, साइज पे होता है। H1 सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट हेडिंग होता है। सो हेडिंग लिख रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। ओके, सो और एक हम पैराग्राफ भी लिखेंगे। सो उससे पहले हम जान लेते हैं हेडिंग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। जो H1 होता है वो क्या करता है, लार्जेस्ट हेडिंग होता है, और जो S6 होता है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। सो दूसरा क्या है, पी टैग। पी टैग क्या डिफाइन करता है, पी टैग डिफाइन करता है पैराग्राफ को। सो पी टैग को ओपन किया है तो पी टैग को क्लोज भी किया है। सो अब लिखेंगे इसके अंदर हम पैराग्राफ दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। सो पैराग्राफ को हमने लिख लिया है। अब है सेव करना। सो फाइल को सेव करने के लिए सिंपली सेव एज बटन, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपके फाइल का लोकेशन कहाँ सेट कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक यूट्यूब वीडियोस का फोल्डर है, उसके अंदर है HTML कोड का फोल्डर, उसके अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं, बेसिक टैग डॉट HTML। जो डॉट HTML होता है ये एक एक्सटेंशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है इसमें, इसके बिना ये फाइल रन नहीं होगी। सो जिस लोकेशन पे हमने इस फाइल को सेव किया था वो लोकेशन है YouTube वीडियोस फोल्डर। सो इस फोल्डर के अंदर
और एक फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम है HTML कोड। सो हमारा है क्या है, बेसिक टैग डॉट HTML। सो सिंपली इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। सो हम इसको क्रोम में ओपन कर रहे हैं, सो क्रोम चूज कर लिया है। सो प्रोसेस हो रहा है अभी। ओके, सो हमारा फाइल ब्राउजर में रन हो चुका है। सो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, एंड नीचे पैराग्राफ आया है, और जो टाइटल है वो टॉप में जो पेज का टैब खुला है, जो टैब खुला है टैब में लिखा रहा है दिस इज माय फर्स्ट टाइटल। सो H2 को भी देख लेते हैं कि H1 और H2 में क्या डिफरेंस है। H2 भी हेडिंग ही होगा, बस इसमें चेंजेस बस इतना आएगा कि इसका साइज में चेंजेस आ जाएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा था, H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है, और जो H6 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।